राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो सूरज बनकर वही निकलता है। जीवन उस बांसुरी जैसा है जिसमें कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन अगर बजाना आ गया तो जिंदगी के सारे सुर बराबर बजेंगे। आज हम सब एक ऐसे ही व्यक्ति को पूरे बाल भवन परिवार की ओर से श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए इस विद्यालय के विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, जिसने अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से न जाने कितने ही दिलों को अपनी ओर आकर्षित किया है। श्री जीसी लगन सर, आपको पूरे बाल भवन परिवार की ओर से सत सत प्रणाम। आपने हमें समझाया है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ हमारा चेहरा दिया है, लेकिन उसे भरने वाले हर रंग, रस और भाव हमें खुद उस चेहरे को देने हैं। इसलिए हम ये हमेशा याद रखें कि हमारे चेहरे का हर रंग भाव दूसरों के दिलों पर अपने निशान बना पाए। कर्मठता, दूरदर्शिता, विविधता, ये सभी शब्द श्री जीसी लगन जी के जीवन के विभिन्न पहलू हैं। 16 अगस्त 1934 परतापुर गांव अलवर। नन्हे कदमों ने माता भगवती की गोद को छुआ। साधारण बालक, साधारण माता, साधारण परिवार, सब कुछ साधारण, पर कुछ तो असाधारण था इस बालक में, जो कि उस आम से वातावरण में धूमिल सा था, अपरिलक्षित था। मित्र सुखदेव सिंह जी ने उन्हें लगन उपनाम दिया, जो कि सही मायने में उनके परिश्रमी व्यक्तित्व, कर्तव्य के प्रति समर्पण और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता को दर्शाता है। 1953 में उन्होंने शिक्षण कार्य की शुरुआत की। अगले कुछ वर्षों तक शिक्षक कार्य से जुड़े रहे और जिस पद पर भी काम किया उस पद की गरिमा बढ़ाई। कर्मठ व्यक्तित्व ने हमेशा भविष्य के सपने देखे, पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और 1967 में बाल भवन रूपी माला में पहला मोती पिरोया। इस पहले मोती को नाम दिया बाल भवन पब्लिक स्कूल। इस खूबसूरत माला में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के रूप में 2004 में पांचवा मोती पिरोया गया। सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता है। अगर सोच है और हौसला है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। दिल्ली के द्वारका उपनगर सेक्टर 12 स्थित बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल अपने चिर परिचित आवरण में एक भव्य शिक्षा मंदिर है। सन 2004 में स्थापित इस विद्या मंदिर के प्रांगण में एक विशाल खेल का मैदान है, जो कि गवाह बना है कई ऐसे कार्यक्रमों का जिन्होंने बाल भवन परिवार की गरिमा को और बढ़ाया है। इस मैदान में न सिर्फ राष्ट्रीय मैचों का अपितु अंतरराष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन होता रहा है। कई बड़े कार्यक्रम जैसे जश्न कलाम, बीके गुप्ता मेमोरियल टूर्नामेंट, दिल्ली डेयरडेविल, बाल भवन क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत आदि इसी मैदान पर संपन्न हुए हैं। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के प्रधानाचार्य श्री कुणाल गुप्ता जी ने लगन सर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए इस विद्यालय की बागडोर को इस तरह संभाला है कि विद्यालय ने शिक्षा, खेल और कला सभी में अपना एक अलग स्थान बनाया है। गुडनेस बिफोर ग्रेटनेस, अगर महानता की सीढ़ी पर कदम रखना है तो पहली सीढ़ी अच्छाई की ही चढ़नी होगी। अच्छाइयों को जब इंसान आत्मसात करेगा तभी इंसान महानता की ओर बढ़ सकेगा। लगन सर की दी हुई इस सीख को श्री कुणाल गुप्ता जी ने अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है और हर समय प्रयास करते हैं कि पूरा बाल भवन परिवार और विद्यार्थीगण इस बात को अपने जीवन में शामिल करें। अडिग हिजाब में वो ताकत है जो कई जिंदगियां बदल दी, प्रेरणा का स्रोत बनी जिसकी यादें वो तमाम शख्सियत भी पलट दे, ये कुछ दिनों पहले मैंने देखा है। चला जो हमेशा सद्मार्ग की राह, स्वाभिमानी ऐसा वो इंसान था, जीने की कला जो सिखा गया, सही शब्दों में एक ध्रुव तारा था, ये कुछ दिनों पहले मैंने देखा है। पेड़ की तरह खुद जलता रहा, मुफलिसों को साया वो देता रहा, एक बेहतर समाज गठने की परिकल्पना से पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी छाप छोड़ गया।
ये कुछ दिन पहले मैंने देखा है, कुछ दिन पहले मैंने देखा है, कुछ दिन पहले मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल वे यही हैं, उनके विचार आज भी हम सब में जीवित हैं और आज हम इस समारोह को ऐसे ही महान व्यक्ति को समर्पित करते हैं।